हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग इन इजी वे। आज की वीडियो मैंने स्पेशली बारिश के पानी से होने वाले बेनिफिट्स के बारे में बताई है। इस साल जुलाई के महीने में मैंने काफ़ी ज़्यादा कटिंग्स लगाई हैं और बारिश का पानी पौधों के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखाई रही हूँ कि मैंने कितनी कटिंग्स इस साल बारिश के सीज़न में लगाई हैं। बारिश का पानी पौधों के लिए क्यों ज़रूरी है? वैसे तो हम रोज़ ही पौधों को पानी देते हैं, पर बारिश के पानी की एक अलग ही इम्पॉर्टेंस है। ये 5-6 जितने भी पॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें सभी मैंने अपनी कटिंग्स लगाई हैं। बारिश के पानी में मल्टी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पौधों को डायरेक्ट मिलते हैं। अगर हम कटिंग्स की बात करें, जैसे कि वीडियो में मैं आपको दिखाई रही हूँ, कटिंग्स को सबसे ज़्यादा बेनिफिट बारिश के पानी से होता है। ये मेरा जेड प्लांट है, ये मेरा जेड प्लांट ऑलमोस्ट सूख चुका था और इसकी मैंने काफ़ी सारी कटिंग्स लगा दी हैं और ये कटिंग्स अब बढ़ रही हैं। और ये गुलदौती की पौधे की कटिंग्स हैं जो मैंने अभी इसके ऊपर वीडियो आपके साथ शेयर भी की है और ये मेरी कटिंग्स भी अभी अच्छी चल रही हैं। क्योंकि अब इस समय बारिश हो रही है तो मैंने इन सभी कटिंग्स को बारिश के पानी में रख दिया है। आप जब भी कोई कटिंग लगाते हैं, चाहे उसको लगाए एक ही दिन क्यों ना हुआ हो, आप उसको डायरेक्ट बारिश के पानी में रख दें, जिससे कि कटिंग बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ती है। अगर आप बारिश के पानी में कटिंग को नहीं रखते तो उसकी स्लो प्रोग्रेस होती है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, वैसे हम कहते हैं कि कटिंग को कभी भी आप लगाने के बाद में टच मत करें और उसको एक जगह पर ही रख दें, खासकर आपने कटिंग को शेड में रखना है। पर अगर बारिश का पानी पौधों को मिलता है तो स्पेशली कटिंग्स को आप बारिश के पानी में ज़रूर रखें। हमारे यहाँ जब भी बारिश होती है, मैं सभी कटिंग्स को हमेशा इसके पानी में रखती हूँ। और बारिश के पानी से सबसे बड़ी बेनिफिट ये होता है कि पौधों का और कटिंग्स के पत्तों का रंग हरा भरा हो जाता है। अगर मान के चलिए आपकी कोई कटिंग नहीं भी चल पा रही है, वो अच्छी सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है, तो उसको एक बार तो बारिश के पानी में आप ज़रूर रखें। इससे आपको खुद इसके होने वाले चेंजेस नज़र आएंगे। जैसे ये छोटे छोटे पत्ते जेड प्लांट के आप देख ही रहे हैं, मैंने ये कटिंग इसी रेनी सीजन में लगाई है और ये कटिंग के सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम थे, पर मैंने इनको बारिश के पानी में रखा और आप खुद ही देख सकते हैं इनका क्या रिज़ल्ट है। और सभी कटिंग्स 100% सक्सेसफुल रेट पर चल रही हैं। तो ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस आपको बारिश के पानी के इम्पॉर्टेंस बताना था। हम जो रोज़ पानी देते हैं उनसे पौधों को इतना फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि अगर हम उनको फर्टिलाइज करके पानी देते हैं तब जाके पौधे मल्टी न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। पर बारिश का पानी एक बहुत ही आसान तरीका है, जिससे कि आप जो इजी ग्रोइंग प्लांट्स हैं, जैसे कि जेड प्लांट की बात करें, मॉस रोज़ की बात करें, ये सभी प्लांट्स आप कटिंग के रूप में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और मैंने इस साल जुलाई मंथ में बहुत सारी कटिंग्स लगाई हैं और मेरी लगभग सभी कटिंग्स काफ़ी अच्छी चल रही हैं। तो सबसे लास्ट बात जो बारिश के पानी की मेन इम्पॉर्टेंस है, जब आप पौधों को बारिश के पानी में रखते हैं तो पौधे उसके बाद में एक इमीडिएट रिस्पॉन्स देते हैं और उनके पत्तों का रंग भी हरा भरा हो जाता है। और बारिश के पानी को पौधों को प्रोवाइड करने के बाद में आप उनको दोबारा शेड में रख दें। कभी भी कोई भी कटिंग को आप डायरेक्ट सनलाइट में मत रखें। और बारिश के पानी से वैसे ही 2-3 दिन तक जो पौधों या फिर कटिंग की मिट्टी होती है वो गीली ही रहती है, इसलिए कटिंग्स को स्पेशली पानी मत दें जब तक बारिश के पानी से मिट्टी गीली है। अगर आप ओवर वाटरिंग करोगे तो उसे कटिंग के डिके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और वो कटिंग ग्रो नहीं हो पाती। मैं बारिश के पानी में पौधों को रखने के बाद में 2-3 दिन तक कभी भी कटिंग्स को और ना ही पौधों को पानी देती हूँ। इसलिए ये सभी बेनिफिट्स मैंने आपके साथ शेयर करने थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।